Hi. रेलगाड़ी मस्त प्यारी बनाई इन लोगों ने जन। अरे बहुत आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। फंडामेंटल होता है IPL, ये सब चीजें क्यों हुई है इतना है, और पैसा कहाँ से आता है क्रिकेट खेलने से, ये पता होना बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स से कमाया कैसे करें, ये निकम्मे लोगों के लिए बना है। जो स्पोर्ट कोटा से थोड़ा मतलब अगर स्पोर्ट में अच्छा है तो कुछ कमा के खा सकते हैं। हाँ यार, मैंने जिम्मेदारी उठाई एक अच्छा लीडर बनने का और लोगों को एक सही राह पे लेके जाने का। अच्छा लग रहा है, सही है। चल चल चलते हैं साथ में। माइलोखंड वाला बड़ा कैमरामैन मिल चुका है आपको, एक असिस्टेंट कैमरामैन यहाँ से कैमरा डिपार्टमेंट में हमारा मस्त है। आई लव दिस स्केल ऑफ सिनेमाटोग्राफी, उसके लिए सिनेमा और सिनेमाटोग्राफी के लिए भी दिमाग चाहिए होता है, एंड इसके बाद बहुत अच्छा लगता है। फाइनली आई गॉट असिस्टेंट। मिला तो है ना धीरे धीरे सही मगर फासला, मिटा तो है ना देर से ही सही तेरा होने लगा।
मुझे फिर तबा कर, मुझे फिर रुला जा। यही तो चाहिए यार, यही एनवायरनमेंट इतना प्यारा है। मैं अपने स्कूल में, मैं भी छोटा था तो ऐसी रोटियां मिलती थी। स्टोरी कवर कर रहा हूँ मैं। अबे यार, यही मेरे भी बचपन में जब मैं छोटा था तो ऐसे ही पढ़ने जाता था, तो आई लव दिस। हम लोग को दरी वाला रोटी मिलता था आज यहाँ पे कुछ, बट दैट ये चीज़ देख के हमको बहुत अच्छा लगा। अपना आंगनबाड़ी याद आ गया ये, और इतनी प्यारी प्यारी टीचर भी हुआ करती थी हमारे आंगनबाड़ी। मेरे लाइब्रेरी को आंगनबाड़ी बना दिया, इतना अच्छा लगा। हम मैं भी आज मतलब मैं इंजन और वो बॉगी, हमको बाद में पता चला। ये आपकी ट्रेन और ये अपना कहानी, जिसको मैं रेलवे ट्रैक पूछता हूँ पूरे पास से, जहाँ पे हम लोग ट्रेन की तरह दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या तो चलते हैं। और ये अपनी टीम, और ये अपना ग्राउंड, और ये अपनी ट्रेन। बेसिकली इसको कॉस्ट मैच, ये बहुत ही खूबसूरत कारीगिरी विद उचीवाड़ा एरिया ने ये बहुत ही खूबसूरत दिमाग लगाया, और ये फिल्म की कहानी थी। One of my very good friends, Team of Justice, हम लोग Team of Justice से belong करते हैं, Team of Movement। और आज हम लोग बैठे हुए हैं यारी रोड के बहुत ही खूबसूरत जगह पे, ये पॉइंट है, और ये है मेरा यार अच्छा दोस्त, हम लोग साथ में वर्कआउट करते हैं। दोस्ती का मतलब आपके लिए हमेशा दिल में जगह, कीमत दोनों में फर्क है, और ये अच्छे से जानता हूँ बस। माना कि मैं फिर जवान।